हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्जी सीरीज के बारे में। बता दें, इसे डायरेक्ट किया है राज और डीके ने, जो इससे पहले आपने इनकी फैमिली मैन देखी होगी। बात करते हैं सीरीज के बारे में। बता दें कि शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, केके मेनन और राशि खन्ना जैसे एक्टर्स देखने को मिले हैं। और हाँ, और भी कई सारे को स्टार इस सीरीज के अंदर जितने भी हैं, सबकी एक्टिंग परफॉर्मेंस कमाल की है। एपिसोड्स की लेंथ की बात करूँ तो ये एपिसोड 50 से 1 घंटे तक का है, मतलब कि बहुत लंबा है। लेकिन हाँ, सीरीज वही अच्छी लगती है जो कि लंबा हो, लेकिन हाँ बोरिंग ना हो। मतलब ये सीरीज आपको थोड़ा सा भी बोर नहीं करती है, मतलब कि इसकी ड्रामा जो है वो आपको कनेक्टेड रखता है। यदि आपको थ्रिलर क्राइम सीरीज अच्छी लगती है तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बात करते हैं सीरीज के अंदर दिखाया क्या गया है। बता दें कि यहाँ शाहिद कपूर, जिसका नाम सनी है इस फिल्म के अंदर, वो एक आर्टिस्ट है। मतलब कि वो किसी भी फेमस पिक्चर्स को देख के वो उसका डिट्टो डुप्लीकेट बना सकता है, मतलब कि उसकी आर्ट परफॉर्मेंस इतनी कमाल की है। लेकिन हाँ, समय ऐसा आता है जब नकली नोट बनाने लगता है, लेकिन नकली नोट के धंधे में पहले से कोई बंदा पहले से खड़ा है, जो कि है केके मेनन, जो कि एक्चुअल में बाहर के देशों से नकली नोट बनाता है और इंडिया में इम्पोर्ट करता है। जिसे पकड़ने के लिए सेतुपति, जो कि इस सीरीज में एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है, उन्होंने एक टीम बनाया है केके मेनन को पकड़ने के लिए। और केके मेनन से उनका जो है 36 का आंकड़ा है बहुत पहले से ही, सीरीज देखोगे तो पता चली जाएगा। और हाँ, राशि खन्ना का जो करेक्टर है, एक्चुअल में वो एक आरबीआई की एम्प्लॉय है, जिसका काम है नकली नोटों को पकड़ना। और हाँ, उन्होंने एक मशीन भी बनाया है जिससे नकली नोट पकड़े जाते हैं। लेकिन हाँ, इस मशीन की कुछ खास बात है, मतलब कि केके मेनन के बने नकली वो मशीन पकड़ लेती है। लेकिन हाँ, शाहिद कपूर ने जो नोट्स बनाए हैं नकली वाले, वो नोट उसे वो मशीन भी नहीं पकड़ पाते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हो शाहिद कपूर के नोट्स कितने कमाल के बनाए गए हैं, इसीलिए तो सीरीज में उसे आर्टिस्ट कहा गया है। आप सीरीज को देखोगे तो आपको 5-6 एपिसोड के बाद आपको पता चल जाएगा लास्ट में होगा क्या। लेकिन हाँ, इसके सबसे इंटरेस्टिंग का एपिसोड इसके लास्ट का लगेगा, चेस एंड बर्ड। इसके अंदर हमें कुछ हिंट्स मिलता है हमारे फैमिली मैन से रिलेटेड, जो कि एक्चुअल में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि फैमिली मैन में हमें दिखाए गए थे, वो यहाँ पे भी दिखते हैं। और हाँ, कुछ वॉइस कॉल भी आते हैं जो कि इस देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, जो कि पता ही होगा कि राज और डीके ने इससे पहले फैमिली मैन बनाया था। अब हो सकता है कि सीरीज में भी हमें यूनिवर्स देखने को मिले। आजकल ऐसा ही हो रहा है इंडिया में भी कई सारे मूवीज के साथ, जो कि यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमें आगे जाकर राज और डीके का सीरीज यूनिवर्स देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बात करूं तो सीरीज कमाल की है।